आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। राम मंदिर सहयोग राशि एकत्रीकरण अभियान के तहत वाहन रैली निकाली। ग्राम बागोद में राम मंदिर निर्माण के निधि संग्रहण के लिए एकत्रीकरण अभियान में जागरूकता लाने के लिए वाहन रैली निकाली गई, जो बागोद से होती हुई दौलतपुर, रमठान, अशोकबड़ की चौकी ग्राम तक पहुंची। रैली का समापन भिकारखेड़ी में किया गया, जहां राम मंदिर में रामचंद्र जी की आरती की गई। सभी राम भक्तों ने रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया। रैली में पूरे टाइम जय जय सियाराम, भगवा भगवा रंग छाया रहा। जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए रैली सभी ग्रामों में घूमी। रैली में डीजे, ढोल ताशों की धुन पर युवाओं द्वारा नाचते गाते हुए ग्रामों में लोगों में जागरूकता की भावना का प्रचार किया गया। ग्राम बड़ की चौकी में जिला प्रचारक केशव जी का बौद्धिक भी हुआ। उन्होंने राम जन्मभूमि का इतिहास बताया कि कैसे कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद की जगह तोड़ी गई। आज उस स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करना है। इस पूरी रैली में नायब तहसीलदार, टीआई चौकी प्रभारी और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय साथ में रहे। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के प्रशासन के पूर्ण सहयोग के लिए समिति द्वारा सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया गया। रैली में साथ में तहसील प्रचारक अनिल जी प्रमार, तहसील कार्यवाहक रमेश भूरिया, चंदन जी दांगी, जिला सामाजिक सेवा प्रमुख उपस्थित थे। साथ में हर धर्म के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली में करीब 40-50 बाइक भगवा झंडा बांधकर पूरे समय घूमी। इसमें पूरे समय बागोद खंड प्रभारी सुगनचंद जाट, रमेश भूरिया, रितेश अग्रवाल, जितेंद्र जाट पूरी रैली में उपस्थित रहे। साथ में पवन जाट, सौभाग दरबार, अमर सिंह परिहार, राहुल गुर्जर, सेवकराम गुर्जर, रवि गुर्जर, प्रवीण गुर्जर, जीतू पटेल जेठवाई, जितेंद्र वर्मा, अनिल रावत, लोकेश राव, जितेंद्र जाट, विजयपाल जाट आदि कार्यकर्ता पूरे समय रैली में राम जी के जयकारे लगाते हुए पूरे समय साथ रहे। बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट।